जीवन किरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज यानी शिक्षक दिवस पर आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं और आज जीवन के रंगों में से एक रंग हमने चुना है शिक्षा का। तो साथियों, इस शिक्षा के रंग को लेकर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अशोक कुमार ठाकुर जी को। अशोक जी, अपने बारे में खुद ही बताएं हमारे साथियों को। नमस्कार, मैं अशोक कुमार ठाकुर, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रहने वाला जी। और बचपन से ही मेरे पिता कार्य की खोज में दिल्ली चले आए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, दिल्ली में ही हुई। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते रहे, दिल्ली गवर्नमेंट में आए। मेरे साथ अच्छा ये रहा कि मैं समय रहते ही समझ गया कि मेरे में अपनी काबिलियत कितनी है। मेरे में एक साइंटिस्ट होने की बहुत काबिलियत थी, परंतु टीचरों की उदासीनता, मैं तो ये कहता था कभी कि मैं गरीब नहीं था। शिक्षक गरीब होंगे, सरकारें गरीब होंगी, देश गरीब होंगे, मैं तो गरीब नहीं था। क्योंकि मेरी ना तो महत्वाकांक्षा कम थी, ना मेरी इच्छाएं कम थी, तो मैं गरीब कहाँ से था। उतनी ही किडनी, उतने ही लीवर लेके मैं भी आया था। जी। सच बताऊं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शायद अशोक कुमार के पैदा होने का, शरीर के नहीं, एक जीवन के पैदा होने का यही कारण रहा होगा। ये लोगों की मेरे प्रति उदासीनता, ये सिस्टम की मेरे प्रति लापरवाही, एक ऐसा अशोक पैदा हो गया जो जिद्दी अशोक था। जी, तो एक जिद का रंग आपके जीवन में आ गया। एक बात और आपसे, ये मुझे पता चली थी कि आप आर्मी में भी थे। जी, क्योंकि बलिया बागी बलिया के नाम से जाना जाता है और बलिया की धरती इस तरह की बहुत परिवर्तनशील रही है। आजादी से पहले दो बार आजाद हो गई, तो बलिया का आदमी सेना का सही एक मुकाम पा जाता है। सोच नहीं होता, बड़ी खुशी हो रही होती है कि हम बहुत सुंदर दौर में जा रहे हैं। क्या बात है, ये तो बहुत सुंदर दौर आपने जी लिया। लेकिन एक ये भी बात है कि आप इस वक्त जो हैं वो सिर्फ शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछली बात में आपने कहा था कि आपको शिक्षा में कहीं ना कहीं अपनी कमी महसूस हुई कि मेरी शिक्षा में कमी है, उसको दूर करने के लिए आपने शिक्षा को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब आप आर्मी छोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा को, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से की आपने? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं उस धरती से हूँ, बागी बलिया से। जी, जब दिल्ली आया तो वो डीएनए तो बचा ही हुए थे, और जब शिक्षा में मेरे साथ सही नहीं हुआ तो मुझे लगा कि जो मेरे मन की इच्छा थी सेना में पूरी हुई, अब एक युद्ध और लड़ना पड़ेगा। ये युद्ध कोई जंतर मंतर पे नहीं होगा, ये युद्ध किसी आंदोलन के रूप में नहीं होगा, ये शैक्षिक क्रांति के रूप में होगा। आपके साथ नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है, आप ऐसा कोई परंपरा बनाइए कि वो सबके साथ होना के नियति बन जाए। तो जो मेरे साथ कमियां थी, जो टीचिंग के दौरान मैंने महसूस करी, उसके खिलाफ मैं बजाय जंतर मंतर जाने के एक युद्ध में लग पड़ा। स्कूल खोल करके एक विद्यालय खोला मैंने। मैंने कहा जब मैं कोई एस्टेब्लिश एग्जांपल कर दूंगा, उसके बाद मुझे कोई आंसर देने नहीं पड़ेंगे, कोई मुझे एविडेंस नहीं देना पड़ेगा। जब आपने एक एग्जाम्पल एस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद आपको कोई उसके आंसर नहीं देने की, आपने ये कैसे किया, ये कैसे किया, फिर वो लोग अपने हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। जी, यानी मेहनत रंग लाई। मेहनत बहुत रंग लाई। जी, लेकिन अब शिक्षा के बारे में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो मन से आपसे जानना चाहती हूँ और हमारे सभी साथी भी जानना चाहते होंगे कि आजकल के दौर में बच्चों की शिक्षा लेकर सभी परेशान रहते हैं कि बच्चों की शिक्षा कैसे हो, किस तरह की हो। और एक बड़ा दौर जो है, ये कहिए कि इस वक्त हमारा जो चल रहा है वो साइंस और आर्ट्स को लेकर चल रहा है, क्योंकि जो क्रांति इस वक्त चल रही है वो सिर्फ साइंस के सेक्टर में है कि हम ये सोचते हैं कि बच्चों को सिर्फ साइंस ही हम पढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में साइंस पढ़ने वालों को इतना इंटेलिजेंट क्यों माना जाता है, जबकि आर्ट्स पढ़ने वालों को हम बिल्कुल कम आते हैं, ये कहीं या कम समझते हैं? तो आपकी नजर में ये मानना है कि आर्ट्स पढ़ने वाले कम होते हैं? देखिए, ये समाज वर्तमान में बाजीगरों का समाज होता जा रहा है। जो चमत्कार सा कुछ कर देता है, लोगों को लगता है कि वो यही ज्ञानी है। आप हवा में भभूत निकाल दीजिए, आपके भक्तों की लाइन बढ़ जाएगी, और आपने अगर सेब केले ज्यादा निकाल दिए और कुछ टीवी बटन बजा दिए, तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है। साइंस पढ़ने के पीछे यही कारनामा है कि आपने अगर कुछ तत्काल में बना दिया, आप हीरो हो गए। आप देखिए ना, मैं मोबाइल को अक्सर देखता हूँ। मोबाइल से पहले रेडियो बना था। रेडियो में स्टेशन पर एक आदमी बैठ के बोलता था, दूसरी दूर किसी छोर पे एक आदमी सुनता था। मोबाइल बनाने वाले ने वो दोनों बटन एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगा दिए और करोड़ों रुपए की रॉयल्टी खा ली। असल में ये रॉयल्टी तो उस रेडियो स्टेशन वाले पे जानी चाहिए थी, क्योंकि काम तो उसका था। तो अब साइंस चमत्कारों का नाम रह गया, परंतु हुआ क्या, इन चमत्कारों से सुख तो नहीं हासिल होता। लोगों ने समझाया कि अगर आप चमत्कार करोगे, आप एसी का बटन दबाओगे, तो आपका शरीर ही नहीं, मन भी शांत हो जाएगा। भाई, 7.75 करोड़ की जनसंख्या है,
हर बंदा उस एसी का बटन दबा के देखता है कि क्या पता मेरा मन भी शांत हो जाए। जब वो नहीं शांत होता था उसको लगता है मेरे मन में प्रॉब्लम है, एसी में प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो जब कई बार दबाता है तो उसको लग जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम एसी में है, मेरे मन में उस चीज की नहीं है। एसी मेरे मन को शांत नहीं कर सकता, मन को शांत तो आर्ट कर सकती है। दुर्भाग्य ये है कि मन पीछे रह गया और आदमी के द्वारा बनाई हुई चीजें आगे चली गई। और अब तो और बुरा दौर आया कि आदमी से बनी हुई चीजों से आदमी का आकलन होने लग गया। अगर मैंने ही कार बनाई और कार से मेरा आकलन, कार का आकलन हो रहा है। इस दौर में सच बताऊं कि अभी भी कला, क्योंकि अपनी वास्तविकता कारण जिंदी है, नहीं तो अगर इस दुनिया का बस चलता तो कला एक म्यूजियम की पीस होती। जी, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई एकदम से, कि कला जो है एक म्यूजियम का पीस हो जाती। कला मन में नहीं रहती किसी के भी, अगर हर कोई चमत्कारी बन जाता तो। खैर, ये बात है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी अपने आप को कम ना समझें, कि अगर वो कला के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी आर्ट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो वो कम है। तो आपने मान लिया कि कला पढ़ने वाले भी बच्चे कम नहीं होते, बहुत ऊपर होते हैं। कम नहीं होते, बहुत ऊपर। जिंदगी को तो कला वाले ही जीते हैं। साइंस वाले तो बेचारे इंस्ट्रूमेंट में लगे रहते हैं, लोहे का, कभी कुछ दूसरा लोहा बना दिया, उस लोहे से कुछ और लोहा बना दिया जी, मगर उसमें इंसान तो नहीं बनता कभी। जी, ये कहिए कि मतलब साइंस की बात और आर्ट्स की बात है कि उसमें अगर इंसान बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आर्ट्स भी पढ़ें। ज्यादातर आर्ट्स पढ़ें। जी, मानते हैं, मतलब सभी को कहना चाहेंगे कि आर्ट्स भी बच्चों को पढ़ाएं, उनके मन में ये बात भी जगाएं कि समाज को समझना भी और जहां हमें रहना है उसमें तरक्की करने के लिए जरूरी है कि आर्ट्स भी पढ़ें। मैंने किसी साइंटिस्ट की बात सुनी थी जी, बहुत वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, उनसे पूछा कि अगर आप ये ना होते तो क्या होते। बोले, मैं कला का साधक होता, मैं बहुत अच्छा संगीतकार होता। और आपको बता दूं, साइंस भी कला ही है। अगर कला नहीं है तो साइंस फिर मशीनों का प्रोडक्शन, मशीनें, फैक्ट्री ज्यादा बड़ी साइंटिस्ट है, आदमी की जरूरत नहीं है। जी, और वैसे भी अब एक और बात हम ये करते हैं कि जैसे आजकल स्कूल का दौर है, फैसिलिटी का दौर है, स्मार्ट क्लास का दौर है, और उसमें ये देखा जाए कि बच्चों के पास तमाम फैसिलिटी हैं। माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर तरह से मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कोई कमी ना होना दें। तो ये मेरा मानना है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा भी, कहीं ना कहीं वो ज्ञान पाने में आज भी कमजोर, हर तरह से कोशिश करते हैं लेकिन वो ज्ञान उनको नहीं मिल पा रहा जो स्कूलों की कमी होने के बावजूद उनको मिला करता था। देखिए, वही साइंस की बात यहाँ आ जाती है। अगर स्मार्ट क्लास बोर्ड या मशीनें अगर सिखा देती तो मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा ज्ञानी होने चाहिए थे। इंसान को सिखाने के लिए इंसान ही चाहिए। यानी कि आजकल जो बहुत सारे स्कूल, जो कि ये बिजनेस बन चुका है एक तरह से, वो बहुत जरूरी नहीं थे, इंसान बनाना जरूरी था। इंसान बना, देखिए, मैं एजुकेशन को, वर्तमान एजुकेशन को इस रूप में देखता हूँ कि ये तीन ही काम कर रही है। पहला, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गुरुजी टू चेला जी, फ्रॉम बुक्स टू चेला जी, और फ्रॉम स्मार्ट क्लासेस टू चेला जी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। दूसरा, स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय प्रैक्टिसाइजिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग बाय डूइंग, और सो मेनी मेथड। और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ये तीन ही काम, ट्रांसफर, स्टोरेज और रिप्रेजेंटेशन, यही तीन एजुकेशन हैं, इस साइंस एज में पेन ड्राइव नाम का इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, उस पेन ड्राइव को दे देना चाहिए बच्चे को कि भाई ये लो, इतने जीबी का, टीवी का ये है, और इसको तुम मास्टर जी आप बोलो, ये रिकॉर्ड कर लेगा, जहां से आपने जानना है ऐसे जान लीजिएगा। बिल्कुल, यानी स्टोरेज डिवाइस बना दीजिए बच्चे को, ना कि बच्चे को बच्चे की तरह व्यवहार में बना लिए। बिल्कुल, मतलब उसका व्यवहार नहीं हम देखते, हम सिर्फ बच्चे को एक स्टोरेज डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। और उसमें बड़ा दुर्भाग्य क्या है जी, कि मॉडर्न एजुकेशन में पाइथागोरस थ्योरम सीखने के बाद आपका पारिवारिक रिश्ता कैसे ठीक हो जाएगा? आपने न्यूटन के लॉ सीख लिए, पारिवारिक रिश्ता कैसे ठीक होगा? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लिया, आपने प्लस माइनस सीख लिया, इससे आपके नैतिक जीवन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअली ये सारी स्किल है, ये वो स्किल है जो आपके प्रोफेशन में इस्तेमाल हो तो प्रोफेशनल स्किल, और नहीं तो लाइफ का कर लीजिए। एजुकेशन नैतिक शिक्षा है, उसका नितांत अभाव हो रखा है। साथियों, एक बात और हम आपको बताते हैं कि अशोक कुमार जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, वो पढ़ाते हैं नैतिक शिक्षा, यानी ये जो मोरल ड्यूटी पूरी कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों में नैतिक शिक्षा का होना, और ये नैतिक शिक्षा के बिना जो बच्चों के दिमाग पर प्रेशर है वो कम नहीं किया जा सकता। जब तक माँ बाप से बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक बच्चे अपना प्रेशर कम नहीं कर सकते। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आया कि नैतिक शिक्षा गायब कैसे हुई, क्योंकि लोगों ने सूचनाओं को ज्ञान मान लिया। सूचनाएं ज्ञान नहीं है भाई,
जी, ज्ञान अनुभव है जी, अनुभव को कभी समझे नहीं, और अनुभव नैतिकता से आएगा, नैतिक ज्ञान से आएगा कि भाई मुझे ये कार्य करने से पिछली पीढ़ियों को ज्ञान नहीं मिला तो वर्तमान को कैसे मिलेगा, ये इससे समझ आता, मगर कभी गौर ही नहीं किया गया। और आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों के पीछे माँ बाप इस तरह से प्रेशराइज करते हैं उन्हें कि नंबर लाना है, हर वक्त नंबर के पीछे हैं कि आपको 98% लाना है, 100% लाना है, और इतनी कोशिश करनी है और इतनी कोशिश करनी है। सिर्फ बच्चे समझे ना उस चीज को, ना प्रैक्टिकल करके देखें, सिर्फ और सिर्फ आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और एग्जाम में लिख के आइए, मुझे 100% का रिजल्ट चाहिए, तो क्या ये प्रेशर सही है? देखिए, कंपटीशन की जहाँ पर भावना है जी, और ये नंबर लेने की जी, मैं हैरान हूँ कि जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे नेचर में एक पेड़ के दो पत्ते समान नहीं हैं, दो पशु समान नहीं हैं, तो आदमी दो समान कैसे हो सकते हैं? कंपटीशन स्वयं से होना चाहिए था। हम स्वयं से कंपटीशन करने की बजाय, स्वयं से प्रतियोगिता करने की बजाय, स्वयं से संघर्ष करने की बजाय प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से संघर्ष कर रहे हैं। मैं सिकंदर की कहानी को सुनता हूँ कि जब वो किसी साधु के पास पहुंचे भारत विजय के बाद, तो उन्होंने कहा कि देखो उठो साधु, आपको पता आपके आगे कौन खड़ा है? मैं विश्व विजयी सिकंदर हूँ आपके आगे जो खड़ा हूँ। वो साधु बोला, जब मैं कैसे तुम्हें मानूं कि विश्व विजयी हो, तुम जब स्वयं को नहीं जीत पाए तो विश्व को क्या जीतोगे? सिकंदर निरुत्तर हो गए। सच बताऊं, कंपटीशन अपने आप से करना है। जब कंपटीशन अपने आप से आप करेंगे, गारंटी मान के चलिए, ना शेर मिलेगा, ना सवा शेर मिलेगा, और ना ही डिप्रेशन होगा, ना ही सुप्रेशन होगा, और ना ही कोई नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि कुछ सवाल पूछ करके, एग्जाम की तरह कुछ सवाल पूछ करके मैं कभी नहीं जान सकता कि आपका लेवल क्या है। मैं तो अक्सर हंसता हूँ कि मैं 10वीं में 47.5% नंबर थे जी। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि आपके 10th में कितने नंबर आए थे, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं तब बेवकूफ था, आज बेवकूफ हूँ, ये कैसे आप पता कर लोगे? मैं तब जानकार नहीं था 47, आज भी आप उसी पन्ने को लेके घूम रहे हैं। देखिए, कुछ सवाल पूछ करके, आपने मुझसे सवाल पूछा जी कि भगवान राम के पिता का नाम बताइए, बैट लकली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आपने कहा, देखिए आपको नाम मालूम नहीं, मैं आपको 0 नंबर दूंगा। मैंने आपसे कहा कि सर भगवान राम की माँ का पता कर लीजिए, चाचा का मालूम है, दादा का मालूम है, मगर आप कहते नहीं मुझे तो सिर्फ पिता का जानना है। मैं कहता हूँ सर बाकी 10 रिश्तों का मालूम है, आप कहते नहीं मुझे सिर्फ पिता का जानना है। आज तक इस एग्जामिनेशन ने एक भी आदमी को बेहतर नहीं निकलने दिया जी। चाहे वो न्यूटन रहे हो अपने एग्जाम में, बिल्कुल इस एग्जामों से ऊपर नहीं निकलता हमारी। हम किसी को बता देते हैं कि जो हम जानना चाहते हैं उसमें तुम कितने कमजोर हो। बिल्कुल, एग्जाम की बात आपने कर ली, तो एग्जाम की सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या एग्जाम सिर्फ मार्क्स के लिए होना चाहिए या फिर एग्जाम कुछ सीखने का नाम है? देखिए, परीक्षा, विद्या के अंदर परीक्षा क्या, शिक्षा में परीक्षा क्या? शिक्षा में परीक्षा ये होनी चाहिए थी, क्योंकि शिक्षा देने पर है, तो परीक्षा ये होनी चाहिए थी कि आपने कितने लोगों को ये दिया जी? आपने इसका परीक्षण कहाँ कहाँ किया, अपने का, स्वयं का? हमारे स्कूलों में क्या है, जिनको मैं चलाता हूँ, कि बच्चे आपको ये समझ आ गया, बोले हाँ, अगले 5 को आप समझा दो, उन 5 से मैं बात कर लूंगा कि उनको कितना समझ आया। इससे आपका पता लग जाएगा कि आप कितनी चीज को इसको व्यवहारिक तरीके से समझा पाते हैं। लेकिन एक बात और भी है, आजकल हमारे जो स्कूल हैं वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, टर्मिनल एग्जाम हो गए, और रोजाना कोई ना कोई टेस्ट होता है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या उन सवालों से हम बच्चे की, ये कहिए कि मानसिकता को पहचान लेते हैं कि उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज है उसके अंदर, क्या वो बन सकता है आगे? देखिए, 212 से 215 दिन हमें पढ़ाने को मिलते हैं जी। इस दौरान मुझे तो लगता है कि टेस्ट ज्यादा है, ट्रेनिंग कम है। हमें ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, शिक्षण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, बजाय की परीक्षाओं पर। क्योंकि परीक्षाएं, मैं गुरुकुलों को स्टडी करता हूँ, कुछ सक्सेस यूरोपियंस मॉडल को देखता हूँ, तो परीक्षाएं व्यवहार की हैं, उसकी थॉट की हैं, एटीट्यूड की हैं, एप्टीट्यूड की हैं, इन्फॉर्मेशन की नहीं है। किसने इन्फॉर्मेशन कितनी इकट्ठी कर ली, उस इन्फॉर्मेशन से वो वास्तविक जीवन में कैसे प्ले करेगा, उसके एटीट्यूड में क्या फर्क पड़ा, उसको कितनी समझ आई जिंदगी को जीने को, उस बात को, इस चीज का एग्जामिनेशन होना चाहिए था। आप एग्जाम कर क्या रहे हैं? और दुर्भाग्य देखिए ना, 33% से लेकर के 100%, कोई ज्ञान 33% होता है क्या? क्या आप ऐसे किसी डॉक्टर को रख सकते हैं कि सर मैं काट तो दूंगा, मुझे किडनी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मैं 50% नंबर लाया हूँ। भगवान जाने कौन था वो आदमी जिसने 33 से लेकर 99 तक का एक सिलेबस बना दिया कि ये भी पास है और वो भी पास है। कंफ्यूजन का दौर शुरू हो गया, 33% वाले की 100% तैयारी नहीं हुई, अगली क्लास में बेसिक कमजोर रह गया। आपने बोला बेसिक कमजोर है, क्यों? नींव तो 100% के ऊपर ही रखेगा ना अगले सिलेबस की, वो अगला सिलेबस पिछले वाला तैयार नहीं है। अगले जब नींव रखता है तो कहता है इसका बेसिक कमजोर है। थोड़े दिनों बाद जब बार बार कमजोर कहा जाता है,
तो एक बच्चा अपने आप को कमजोर मान ही लेता है। पहले ये कहा जाता था कि भारत की जो शिक्षा है वो सबसे सर्वोत्तम शिक्षा होती है। आज भी सारी दुनिया में माना जाता है कि भारत में बच्चे जो भी पढ़ाई करते हैं वो हर तरह से काबिल बच्चे बनाते हैं वहाँ पर। और जगहों के मुकाबले में मैंने देखा हमारे भारत में बच्चे बहुत बेहतरीन शिक्षा हासिल करते हैं और जगह जगह नाम कमाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट के तौर पर, बड़े बड़े इंजीनियर्स के तौर पर हर जगह अपना नाम कमा रहे हैं, कर रहे हैं वो काम। लेकिन आज जो शिक्षा का जो सिस्टम है, यानी एग्जाम सिस्टम जिसे कहते हैं, क्या वो इस चीज़ को आंक लेते हैं या इसको कुछ बदलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में जी अध्यापन वर्ड होता ही नहीं है, अध्ययन होता है। अध्ययन मतलब टीचिंग नहीं, लर्निंग होता है। बिल्कुल, हम लोगों की चाहे वो मैकाले के कारण हो या कुछ योजनाओं की कमी के कारण या लक्ष्य के सही निर्धारित ना होने के कारण, हम लोग भी यूरोपियंस के शिकार हो गए, हम लोग भी वेस्टर्न मॉडल के शिकार हो गए कि टीचिंग ऊपर हो गई या लर्निंग नीचे हो गई। मेरे देश में शिक्षा में कभी स्ट्रेस नहीं होता था जी, क्योंकि जिस भी शिक्षा में स्ट्रेस होगा उसका अंत बच्चे की नेगेटिविटी से जाके लगेगा, क्योंकि सीखने में स्ट्रेस किस चीज का? बिल्कुल, हमने जानबूझ के टीचिंग को टेरर के रूप में बनाया, हमने बच्चे को लर्निंग के लिए तैयारी नहीं करा, क्योंकि हमने कहा कि फैकल्टी ट्रेंड करेगी, फैकल्टी सिखाएगी, टीचिंग करेगी। टीचिंग देखिए कभी नहीं होता। क्या किसी पेड़ों पर कोई हवा या धूप आके टीचिंग करती है आम देने की? वो एनवायरमेंट बनाती है, पेड़ पर आम और अमरूद जो लग जाते हैं, टीचिंग तो नहीं करती वो। और मैं हैरान रहता हूँ टीचिंग वर्ड क्रिएट किया गया। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इन जिनके नाम, जिनके जन्म दिवस को हम टीचर डे के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं जी, उन्होंने अक्सर ये बात कही कि भाई अगर क्लास में 35 बच्चे हैं तो इसका मतलब उस क्लास में 36 स्टूडेंट हैं जी, टीचर भी एक स्टूडेंट है। मतलब कि टीचर बच्चों का अध्ययन करे और बच्चे सब्जेक्ट का अध्ययन करें। भाई पूरी प्रक्रिया में है क्या, बच्चा शिक्षक का भी अध्ययन कर रहा होता है कि शिक्षक का मेरे प्रति, क्योंकि ये यूनिफॉर्म होने नहीं आया, मेरे प्रति, मेरे को आगे बढ़ने के प्रति इस शिक्षक का कितनी रुचि है। जब उसको लगता है कि शिक्षक की रुचि मेरे आगे बढ़ने में नहीं है तो शिक्षक का काहे को सम्मान करेगा। जब एक डॉक्टर आपका इलाज सही नहीं कर पाएगा तो आज के बच्चे क्योंकि बहुत तेज हैं, बहुत तेजी से प्रगति चाहते हैं, बहुत जल्दी लक्ष्य पाना चाहते हैं, काहे को सम्मान करेंगे? आप निरर्थक सोच में हैं। देखिए भारतीय संस्कृति में क्यों ऊंचाइयां निकली जी? क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक बराबर सहना बहुत सिस्टम पे काम करते थे कि दोनों ही अध्ययन करते थे। और शिक्षा है क्या, मैं ब्लैक बोर्डों पर अक्सर लिखता हूँ कि बेटे शिक्षा में खेलो और खेल में पढ़ो, पढ़ाई में खेलो और खेल में पढ़ो। पढ़ाई में खेलो का मतलब सूचनाएं तो है, इनसे खेलो, और खेल में पढ़ो कि भाई बार बार यही क्यों जीतता है भैया, इतना सा काम है। मगर नहीं, हम लोगों ने इस तरीके से सिखाया मॉडर्न एजुकेशन को कि बच्चा स्ट्रेस में आ गया। भाई अगर पाइथागोरस भी सिखानी है तो पाइथागोरस जीवन में कैसे उपयोगी है ये बता दीजिए। आप बच्चे को सिर्फ पढ़ने वाली चीज का उपयोग बता दीजिए, बाकी परिश्रम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ही सीख लेता है। आजकल बच्चे वैसे भी बहुत स्मार्ट हैं और जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हम तो जानबूझ के कोर्स बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी इज्जत बची रहे, नहीं तो बच्चे इतनी जल्दी सीख रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि क्यों सीखा जाए, उनके जीवन में कहाँ यूज आ रहा है। पूरे संसार में छोटा बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, अमीर का या गरीब का, कार्टून सीरियल देखता है। अब देखिए ना, कार्टून क्यों देखता है पूरे संसार के बच्चे, जबकि वो सब कुछ गलत होता है? क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मुझे एक्शन चाहिए, मैं आपकी बोरिंग साल साल भर की प्रक्रिया से थक गया हूँ, मुझे एक्शन चाहिए। इस एक्शन के लिए वो कार्टून देखता है, वो आपको सिग्नल दे रहा है। एक छोटी सी स्टोरी में वो पूरी सालों की कहानी देख लेता है और सीख लेता है। सीख लेता है वो। और बल्कि ये कहिए कि आपकी लाइफ को लेकर और सामने से प्रैक्टिकल को देखते हुए आप पर भी सटीक कमेंट कर देता है कि आप ऐसा ना करके ऐसा करते तो अच्छा होता। मैं अक्सर देखता हूँ स्कूलों में नैतिक शिक्षा में कि वो कहते हैं बड़ों का सम्मान करें, तो मुझे लगता है छोटों का अपमान करूं। अरे भाई ये तो वाइस वर्सा है जी, आप अगर बड़ों के सम्मान को बोलते हैं तो आप उनको सम्मान ज्यादा चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को सेम सेम कहते ही उसको ऐसा लगता है पता नहीं कितनी उपाधि छीन ली, और बड़े आदमी को आप सेम सेम क्या, आप कितना भी छाप दें उसको कोई उपाधि नहीं जाती। तो सम्मान तो ज्यादा उनको चाहिए जिनको आप बड़ों
छोटे बोल रहे हैं जिनको आप, बिल्कुल बना रहे हैं जिनको, जिनको छोटा उनको बना रहे हैं। उनको बिल्कुल सही। और जैसे अभी आपने एक बात करी अशोक जी के वायलेंट वाली बात आई थी कि आज जो इज्जत चाहिए आपको इज्जत देनी भी पड़ेगी, लेकिन आज जो खबरें सुनने को मिल रही हैं कि फला शिक्षक को मार दिया एक छात्र ने और क्लास में जो है चाकू लेकर उस पर हमला किया, कहीं कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें खबरों में हम सुनते हैं देखते हैं, तो उसकी क्या वजह थी? देखिए ये कमी योजना की है जी, मैं आपको बताऊं, आज शिक्षा से खेलों का इस तरह से गायब हुआ, पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, खेल गायब हो रहे हैं कि दिल्ली के 40% बच्चों के लंग्स 23% भी काम नहीं कर रहे। मैं तो हंसता हूँ आज किसी को सोच करके इस बात को, आप किसी को हंसने को बोल दीजिए तो दो ही काम करता है, जोर से हंसता है तो खांसता है और नहीं तो धीरे से मुस्करा लेता है, उसके मुस्कुराहट को ही आप समझ लीजिए पूरी हंसी, ठठाकर हंसना तो भूल ही चुके हैं लोग। अब हुआ क्या, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, बच्चे के पास जी। स्कूल में थका हुआ कौन आदमी है, टीचर। आप क्या बोलते हैं कि भाई बच्चे को तो चुप रहना है और टीचर को बोलना है, जो बच्चा 100% एनर्जी लेके स्कूल आया हुआ है वो 10-20% सुनने में लगाता है और 80% एनर्जी अपने आप को चुप रहने में लगाता है। होना क्या चाहिए था कि बेटा आप स्कूल में आओ, आप बोलो और मास्टर जी आप इसको चैनलाइज करो कि ये क्या बोले, क्योंकि उसकी एनर्जी अगर सही इस्तेमाल नहीं होगी यकीन मानिए ये वॉयलेंट होगा और ये स्कूल वो जगह बन जाएंगे जहां पर आर्मी और पुलिस को लगाना पड़ेगा कि आज मर्डर कुछ कम हो, क्योंकि अगर टीचर बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेगा तो बहुत बड़े भविष्य भयावह खतरे की तरफ इशारा आप समझ लीजिए। आगे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कि एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे बच्चे अपने एम को पा सकते हैं, यानी अपने मकसद को पा सकते हैं? देखिए मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि बेटा संभावनाएं बहुत हैं, आपकी क्षमताएं असीम हैं, एक बार पहचान लो और इस चेहरे को महान बना लो, क्योंकि मजदूर फिल्म का गाना मैं अक्सर गाता हूँ, इस दुनिया को ना तो जानवरों ने बिगाड़ा, ना इनको पेड़ पौधों ने, ना तूफानों ने जी। इसको हम लोगों ने बिगाड़ा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं मजदूर फिल्म का अक्सर एक गीत गुनगुनाता हूँ कि हम मेहनत कस जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, तब एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। बच्चों ये पूरी दुनिया आपके हाथ में है, तुम ही भविष्य हो और तुम ही इस धरती के निर्माता हो, ये दुनिया कल कैसे रहेगी ये तुम तय करोगे, हम लोग तो सिर्फ उसके आई विटनेस होंगे। मेरा इतना ही कहना होगा बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों के लिए और उनके मकसद को पाने के लिए सही राह कैसे वो पा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।